दोस्तों मैंने 5,000 के अंदर आने वाली सभी स्टिक्स खरीद ली। Xiaomi Mi TV Stick 4K, Amazon Fire TV 4K Max और Realme Google TV Stick। इन तीनों ही स्टिक्स का मैं कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा कि कौन सी बेहतर है आपके हिसाब से, कौन सा स्पीड में बेटर आपको परफॉर्म करते देता है, किसका यूजर इंटरफेस बढ़िया है और ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी का मतलब नहीं बनता क्योंकि ये टीवी नहीं है, स्टिक है, लेकिन बाकी जो भी फंक्शंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और किस हिसाब से आपको प्राइस टू वैल्यू परफॉर्मेंस बेहतर मिलने वाला वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सी स्टिक लेनी चाहिए। वैसे अगर इन तीनों में से जो भी लेना हो पछताओगे आप किसी में से भी नहीं, यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप खरीद सकते हो, तीनों का ही लिंक आपको मिल जाएगा। पछताओगे किसी में से भी नहीं, मैंने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि तीनों ही जो स्टिक हैं वो बहुत ही बेहतरीन है और अपने प्राइस के हिसाब से या फिर अपने फीचर्स के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको एडवांटेज ओवर द अदर देती ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स डायरेक्टली, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थोड़ा सा बूट टाइम्स की। तो जो सबसे फास्ट रही है वो है अपनी Mi TV की स्टिक 4K, जो कि 44 सेकंड के अंदर टोटल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अपना अगर बात करोगे तो जो अपना जो Amazon की Fire TV 4K Max है ये आपको 47 सेकंड्स में बूट होके देती है और सबसे लास्ट में आती है हमारी Realme Google TV स्टिक जो कि करीबन एक मिनट लगा लेती है, 59 सेकंड्स के आसपास इसको बूट होने में टाइम लगा। उसके अलावा अगर आप ऐप ओपनिंग भी टेस्ट करके देखेंगे, मैंने 5 ऐप्स ओपन किए थे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, हॉटस्टार और यूट्यूब, इनके अलग अलग टाइमिंग मैंने कंबाइन किए हैं। उस जो मैं आपको फुटेज दिखाऊंगा उसमें शायद इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैंने एक्चुअल में कैमरा की टाइमिंग से मैच करके भी रिकॉर्ड करके देखा है। आप बेफिक्र रहिए, जो मामला आया वो आया, सबसे पहले हम 4K Fire TV 4K Max की बात करेंगे तो इसमें नेटफ्लिक्स की टाइमिंग रही 20 सेकंड्स, प्राइम वीडियो की टाइमिंग रही 21 सेकंड्स, हॉटस्टार की रही 9 सेकंड, यूट्यूब की रही 6 सेकंड और जियो सिनेमा इसमें खुल जाता है 10 सेकंड के अंदर। और अगर हम Mi TV स्टिक की बात करेंगे तो नेटफ्लिक्स की रही 23 सेकंड, प्राइम वीडियो की 12 सेकंड, उसके बाद हॉटस्टार 6 सेकंड, YouTube 5 सेकंड और जियो सिनेमा 14 सेकंड। और सबसे लास्ट में हमने Realme Google TV स्टिक का हमने कंपेरिजन किया तो उसमें देखा हमने कि Netflix स्टार्ट हो रहा है 42 सेकंड्स में, प्राइम वीडियो 17 सेकंड्स, हॉटस्टार 8 सेकंड, YouTube 15 सेकंड और जियो सिनेमा टोटल मिला के 11 सेकंड। सो ओवरऑल जो अपना Xiaomi TV स्टिक और Fire TV स्टिक है इसमें शायद 4-5 सेकंड का ही फर्क आ रहा है, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि मेरे को जो Fire TV 4K Max का रिमोट नहीं मिल रहा था तो आई हैव टू गो बैक टू द होम स्क्रीन देन स्टार्ट द ऐप, तो उसमें भी 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे थे, जैसे कि प्राइम वीडियो का मतलब हॉटकी होती है लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मेरे को होम स्क्रीन पर जाके स्टार्ट करना पड़ा। तो 2-3 सेकंड का अगर इधर उधर हम इसको एडवांटेज दें Fire TV का, तो Fire TV और Mi TV स्टिक वॉज इक्वल और उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होने वाला है। ओवरऑल स्पीड के मामले में लगभग सेम टाइम में ही काम किया और नेटफ्लिक्स थोड़ा सा है बैटरी पहले ही खोल दिया था 20 सेकंड में ही, जबकि Mi स्टिक ने तो 23 सेकंड खोला था। तो फर्स्ट नंबर मैं टाई रखूंगा Mi TV स्टिक और Fire TV 4K Max में, जबकि सेकंड अगर आप बात करोगे तो मैं Realme TV को दूंगा Realme Google TV स्टिक, जो कि बेहतर है, कोई दिक्कत आपको आती नहीं है। थोड़ा सा मैं डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाहता हूँ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी टीवी के पीछे लगी रहेगी, लेकिन जो सबसे छोटा है ना वो आपको मिलेगा कि Realme TV का सबसे छोटा स्टिक है, उसके बाद Mi का है थोड़ा सा मतलब राउंडिश डिज़ाइन है और सबसे बड़ी जो स्टिक है वो है अपनी Amazon Fire TV स्टिक, तो सबसे बल्की ये वाली रहेगी। अगर आपका टीवी मतलब अगर ये HDMI लगा दिया तो मे भी दूसरा HDMI लगाने में प्रॉब्लम आ जाएगा, साथ साथ लगे हुए हैं। वैसे तीनों में ही आपको HDMI एक्सटेंडर मिलता है तो आप पीछे लगा के इसमें आप टीवी के पीछे लगा के आप इजीली अपने टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं। दोस्तों अगर CPU GPU की बात करें तो आपको Amazon Fire TV स्टिक में मिलता है क्वाड कोर का 1.8 GHz का MT8696 और GPU मिलता है GE8300 750 MHz का जो क्लॉक है, जबकि Mi TV स्टिक 4 की बात करें तो ये रिलेटिवली एकदम नया डिवाइस है तो इसमें CPU आपको क्वाड कोर 35 मिल जाता है और मान लीजिए 31MP2 का इसमें आपको GPU मिल जाता है, जबकि आप Realme Google TV स्टिक 4K की बात करें तो इसमें आपको CPU की इन्फॉर्मेशन है, क्वाड कोर 35 लगा हुआ है, GPU की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। देखो सब में ही ड्यूल बैंड वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई 5 मिल जाता है, लेकिन जो Fire TV है ये पुराने होने के बावजूद भी इट वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम और इसमें आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है विच कैन गिव यू ब्लेजिंग फास्ट स्पीड
रुपीज़। अगर आपके घर में वाईफाई 6 का राउटर है, मेरे घर में है और वाईफाई 6 से जब कनेक्ट होता है ना, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फी डिफरेंस भी फील होता है जब आप लोड करते हो कुछ भी या फिर नेटफ्लिक्स पर अगर आप कुछ चला रहे हो, तो फायर टीवी 4K मैक्स में थोड़ा सा ही आपको फील होगा डिफरेंस। बाकी सब में ही ब्लूटूथ 5.0 का आपको सपोर्ट मिल जाता है देखने को। स्मार्ट होम कंट्रोल की बात करें तो ये फायर टीवी 4K मैक्स आपके अलेक्सा को सपोर्ट करती है, जबकि शाओमी और रियलमी की जो स्टिक हैं वो आपकी गूगल को सपोर्ट करती हैं। तो ऑब्वियसली इन माय एक्सपीरियंस अमेजोन फायर टीवी का जो अलेक्सा का है वो आपके स्मार्ट होम कंट्रोल को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से करके देगा, और अगर कुछ चलाना भी है नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर तो वो भी बेहतर रहेगा। जबकि गूगल असिस्टेंट बहुत अच्छा रहता है फ़ोन में, लेकिन टीवियों में और जो टीवी में अगर स्मार्ट बना रहे हो स्टिक लगा के तो इतना अच्छा नहीं रहता है, और स्मार्ट होम कंट्रोल भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है कंपेयर टू एलेक्सा। OS सिंपल है, ऑब्वियसली फायर OS 7 पर ये काम करती है जो कि फायर टीवी OS के साथ आता है, बहुत ही मस्त OS है। यूज़र इंटरफेस में आपको कहीं भी कोई किस्म की दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी हैंग नहीं करता है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। फायर टीवी का OS जो होता है बहुत स्मूथ रहता है, कंटेंट भी थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाते हैं। लैब टीवी का सेक्शन मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग ऐप से जो जैसे सोनी लिवूड वगैरह उससे कुछ कुछ चैनल्स को बाहरी स्क्रीन पर दिखा के आप वहीं से डायरेक्ट कर सकते हो प्ले, आपको ऐप के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन Xiaomi Mi स्टिक 4K के पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि है पैच वॉल। इसमें अगर इनके रिमोट में अगर आप एक पैच वॉल का बटन दबाते हैं तो पैच वॉल खुल जाता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, और वो पैच वॉल का कोई मतलब नहीं है कि फायर टीवी के साथ कंपेयर करो, पैच वॉल इज़ बेटर फॉर श्योर एंड इट्स अमेजिंग। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो जिन पर शॉर्ट शार्क की हॉटकीज भी मिलती हैं आपको रिमोट में, तो एक और बेहतर चीज़ हो जाती है। जबकि अगर रियलमी की बात करें तो आपको नेटफ्लिक्स यूट्यूब और प्राइम वीडियो और यूट्यूब म्यूजिक की हॉटकीज मिलती हैं, और एक और चीज़ रियलमी गूगल टीवी में गूगल टीवी का OS मिलता है, तो इसमें नो पैच वॉल एंड गूगल टीवी इज़ नॉट अप टू पार विद पैच वॉल एंड फायर टीवी, तो ये थर्ड नंबर पर रहेगा मेरे हिसाब से यूजर इंटरफेस के मामले में। अगर बात करोगे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को अमेजोन फायर टीवी में Xiaomi Mi TV स्टिक में मिलेगा बिकॉज ऑफ द पैच वॉल। एंड सेकेंड में मैं फायर टीवी को यहाँ पर जिताना चाहूँगा, फायर टीवी स्टिक को, एंड थर्ड नंबर पर रियलमी गूगल टीवी रहेगा। रिमोट का मैंने बता ही दिया, सबसे कम हॉटकीज़ आपको उसमें मिलती हैं अमेजोन फायर टीवी में, लेकिन जो अपना Xiaomi का रिमोट है उसमें आपको म्यूट का बटन मिसिंग है, यू हैव टू डबल प्रेस द वॉल्यूम डाउन की टू म्यूट द टीवी स्टिक। तो ओवरऑल कंक्लूजन मुझसे पूछोगे तो फायर टीवी इज़ ब्लेजिंग फास्ट विथ फायर OS, एंड जो Mi TV स्टिक 4K है इट इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ फास्ट विद देयर पैच वॉल एंड गिव अमेजिंग फीचर्स एंड फंक्शंस। एंड अगर आप बात करोगे रियलमी गूगल टीवी स्टिक की तो इट कम्स विद गूगल टीवी ऑब्वियसली, वेयर एज वो खुद ही अच्छा नहीं है गूगल टीवी इतना जिस हिसाब से हम इसको सजेस्ट कर सकें। तो ओवरऑल मेरी चॉइस रहेगी आप फायर टीवी 4K मैक्स या फिर Xiaomi Mi TV स्टिक 4K कुछ भी ले सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो ये आपको फायर टीवी 4K मैक्स अमेजोन पर मिलेगा और भी कुछ ऑफलाइन रिटेलर्स पर भी मिल जाता है, और Xiaomi Mi TV स्टिक अभी सिर्फ mi.com पर ही अवेलेबल है, जबकि Realme Google TV स्टिक 4K आपको मिलता है Flipkart पर और realme.com पर। थोड़ा सा मैं प्राइसिंग की बात करना चाहता हूँ, Realme Google TV स्टिक आपको 3000 का मिल रहा है आज की तारीख में, एंड आफ्टर ऑल द डिस्काउंट लोएस्ट प्राइस है वो इसका यही है, जबकि Mi TV स्टिक 5000 का मिलता है, और Amazon Fire TV 4K Max जो है वो आपको अभी फ़िलहाल 6500 या 6000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन डोंट वरी ये आपको सेल में और नॉर्मल प्राइस इसका 4 से 4500 रुपये ही रहता है। तो आई एम कंसिडरिंग 4500 रुपीज़ फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। तो ओवरऑल 3000 रुपये में रियलमी गूगल टी वी स्टिक से आपको बेहतर वैल्यू नहीं मिलने वाली है, बट इफ़ यू कैन स्पेंड मोर तो आई विल सजेस्ट यू टू गो अबव कि Mi TV स्टिक और फायर टी वी में से ले सकते हो। तो फायर टी वी अगर कम में मिल रहा है तो फायर टी वी ले लेना, अगर Mi TV स्टिक 4K मिल रहा है कम में तो वो ले लेना। सभी में ऐप्स की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको एंड्रॉयड के लगभग तीनों ही एंड्रॉयड बेस्ड हैं, तो एंड्रॉयड पे आपको सारे ऐप्स लेंगे भी की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ओवरऑल मुझसे पूछोगे अगर मैं होता तो फायर टीवी स्टिक लेता, क्योंकि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो भी बढ़िया है, सारी बाकी की चीज़ें भी बढ़िया हैं, ब्लेजिंग फास्ट है तीनों में, तो मेरी फर्स्ट चॉइस फायर टीवी रहेगी ओवरऑल कंक्लूज करके पूछोगे। लेकिन Mi TV स्टिक भी बुरी नहीं है, प्राइस को कंसीडर करके 500 रुपये आपको शायद ज़्यादा देने पड़ रहे हैं अगर फायर टीवी 4K मैक्स है, तो बात अलग है। अगर सेम प्राइस है तो फिर Mi TV स्टिक भी बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें पैच वाला आपको मिल जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग मामला हो गया है, बट प्राइसिंग के अगर देखे जाए जो मैंने 4000-4500 बताए हैं तो फायर टीवी विल बी गुड। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो गाइस, अगर आपका कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए हो तो मज़ा आ गया होगा, तो लाइक कर देना, और अगर सवालों के जवाब नहीं मिले तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6377-9121। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।